हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने मंगवाए हैं कुछ किचन एसेंशियल चीज़ें, वो भी मीशो से, जो आपने कभी नहीं देखी होगी। चलिए अब इसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले है हमारा स्मार्ट मल्टीफंक्शनल वेजिटेबल और फ्रूट पिलर। ये आपको किचन का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट बना देगा। ये देखिए, इस तरीके का पिलर आपने कभी नहीं देखा होगा। चलिए ओपन करके दिखाते हैं आपको। ये उसका बॉक्स है, ये तीन कलर में आते हैं। इस तरीके से है ये पिलर, बिल्कुल ये मान लीजिए ये बिल्कुल डिफरेंट नाइफ है आपके लिए। यहाँ पे उसका एक हैंडल दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लेड है। इस तरीके से आपको ने ओपनिंग दी हुई है इसमें। ये देखिए, काफी डिफरेंट प्रोडक्ट है। चलिए अब इसे यूज करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम इस आलू को ट्राई करेंगे इस पिलर से, इसके छिलका निकालने का। हमने आलू ले लिया है, कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से पील करते जाइए बस। और देखिए, आपका कचरा बिल्कुल अंदर ही कलेक्ट हो रहा है, आपको और कोई बास्केट लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो देखिए नाइफ भी कितनी अच्छी है, बिल्कुल मोटे मोटा नहीं निकल रहा, एकदम हल्का हल्का सा छिलका आपका निकल रहा है। बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसको छिलने में, इजीली आप इसे छिल पाएंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से सारे छिलके निकल गए हैं इसके, और आलू बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है। ये देखिए, इसका जो छिलके वो इसी में कलेक्ट हो गए हैं, आप इजीली इसे बस डस्टबिन में फेंक सकते हैं। ये देखिए, ये एक आपके लिए बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा किचन के लिए, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में बताइएगा आपको प्रोडक्ट कैसी लगी। हमारी जो दूसरी प्रोडक्ट है उसे देख लेते हैं। ये भी किचन में आपको बहुत यूज़ करेगा, ये है ग्रेडर एंड स्लाइसर 9-in-1 वेजिटेबल कटर विथ ड्रेन वेट बास्केट। ये देखिए, ये इस तरीके के दो बास्केट है एक्चुअली। पहले तो सबसे पहले हम इसे निकाल देते हैं। ये देखिए, ये बास्केट स्टेनर वाली बास्केट है, इसमें से आप यहाँ से अगर कोई वेजिटेबल्स धोते हैं तो स्टेन होके पानी नीचे निकल जाएगा। तो ये होगी ड्रेन बास्केट आपकी। अब इस बास्केट के ऊपर हम अटैचमेंट लगाएंगे इस तरीके से। ये अटैचमेंट लगा दिया है हमने, इसके साथ हमें बहुत सारे अटैचमेंट मिले हैं, जिसमें से एक है ये पिलर, ये आपको छिलने के लिए यूज़ होगा। साथ ही साथ और भी सारे अटैचमेंट हैं, ये है हैंडल, और भी है हमारे पास ये स्लाइसर है दोनों, एक बड़ा और एक छोटा, यानी कि एक थोड़ा मोटा कट करने के लिए, एक पतली स्लाइस के लिए, इस तरीके के दो स्लाइसर मिले हैं। ग्रेड करने के लिए भी हमें ये वेफर्स बनाने के लिए, आलू छिलने के लिए इस तरीके के, या आप कैरेट इसे कर सकते हैं, इस तरीके के अटैचमेंट्स हमें बहुत ही अलग अलग इसके साथ ही मिले हैं। चलिए अब ट्राई करते हैं इसमें। हमने एक ब्लेड लगा दिया, आप अपनी पसंद जो भी आपको करना है उस हिसाब से ब्लेड को यहाँ पर अटैच कर दीजिए। हमने एक आलू लिया हुआ है जो इसके ऊपर ग्रेड करके देखेंगे, तरीके से हम ग्रेड करेंगे। चलिए अब देखते हैं कितना कलेक्ट हुआ है। तो ये देखिए, इस तरीके से ग्रेट हो चुका है ये। अब इस तरीके से सलाद के लिए, या आपको अगर गाजर का हलवा बनाना है उसके लिए भी इस तरीके से ग्रेट कर सकते हैं। ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा ये है कि इसकी फिटिंग देखिए यहाँ पे ब्लेड की अच्छी नहीं है, तो ये प्रोडक्ट मुझे इतना खास नहीं लगा है। फिर भी इसके लिंक तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, शायद आपके कोई यूज़ हो जाए। तो गाइज, दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी, लाइक और शेयर करिएगा। प्रोडक्ट कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट ट्राई करें तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।